हजारीबाग में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बंद घर में कोयले के धुएं के कारण ये हादसा हुआ है। रांची में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर बीजेपी विधायकों के निलंबन का मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सत्र के अंतिम दिन भी विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने पाकुड़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना सरासर गलत है। ये टीएमसी का ही कल्चर हो सकता है, वाम दल इसे सही नहीं मानता है। हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ भाजपा उग्र मूड में है। भाजपाई निरंतर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। पार्टी नेता राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में JN1 वेरिएंट का मरीज एक भी नहीं है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का। शीतकालीन सत्र में भाग लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि सरकार हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम के लिए सिलेक्ट होने वाले रॉबिन मिंज ने गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। 29वीं राष्ट्रीय नेटबॉल सब जूनियर चैंपियनशिप में शामिल होने झारखंड पहुंची मणिपुर के खिलाड़ियों ने मणिपुर में शांति लाने की अपील की है। कहा, मेरे मणिपुर में शांति ला दो। गोड्डा में 29वीं सब जूनियर प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें 28 राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है। डीसी ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हरिओम कौशिक भी मौजूद रहे।